guys, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. So now I'm going to show you how I make amazing suji ka halwa and some soft and fluffy puris. और मैंने ऑलरेडी आलू और चने की तरकारी की वीडियो पोस्ट कर दी है. तो जब भी आप ब्रंच बनाएं, तीनों चीज़ें साथ बनाएं. चलें, लेट्स स्टार्ट मेकिंग पूरी एंड हलवा. द इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू मेक सूजी का हलवा आर, हेयर आई हैव गॉट 3/4 कप ऑफ सूजी सेमलिना, 3/4 कप ऑफ शुगर चीनी, 1/2 कप ऑयल तेल, सम क्रश्ड नट्स, इसमें एलमंड्स और पिस्ताशियोज एंड कैश्यू नट्स हैं, 2 to 3 crushed green cardamoms, छोटी इलायची एंड अ पिंच ऑफ ऑरेंज कलर. सबसे पहले मैं सूजी को हल्का सा भूनूंगी, जस्ट फॉर 1 मिनट. जैसे इसकी अच्छी सी स्मेल आने लगेगी और कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, मैं इसको निकाल लूँगी. मेक श्योर कि आप चमचा हिलाते रहें. और यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी लिया है और इसको मैं पकाऊंगी शीरा बनाने के लिए. सूजी अब भुन गई है, इसको मैं निकाल लूँगी और इसी पैन में मैं हलवा बनाना स्टार्ट करूँगी. बॉइलिंग वाटर में मैं 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर का डाल रही हूँ. ओके गाइस, तो यहाँ पे हलवे के शीरे में मैं चीनी डाल रही हूँ, ऑरेंज कलर डाल चुकी हूँ और पानी बॉइलिंग है. ओके, फॉर हलवा यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे ऑयल को. और इसमें मैं डालूँगी अब क्रश्ड ग्रीन कार्डमम्स. और अब इसमें मैं भुनी हुई सूजी डालूँगी जो मैंने पहले भून कर निकाली थी. अब इसको आपको स्टर करते रहना है जब तक ये सही से भुन जाए. अच्छी तरह इसको स्टर करना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे. और यहाँ पे शीरा ऑलमोस्ट रेडी है. इसको स्टर करते रहना है ताकि ये जले ना नीचे से. और फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम टू लो. तो सूजी अब ऑलमोस्ट होने वाली है. अच्छी सी स्मेल आ रही है इसमें से. और यहाँ पे शीरा भी बिल्कुल रेडी है, देखें बॉयल हो रहा है. नाउ एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू ऐड शीरा और साथ साथ उसको स्टर भी करना है. मीडियम फ्लेम पे रख के इसको साथ साथ स्टर करना है. अब इस टाइम पे आपको सही से स्टर करना है जब तक हलवा सही से थिक हो जाए. तो ये देखें, इसकी ये कंसिस्टेंसी है. बस थोड़ा सा मैं और करूँगी और हलवा रेडी है. इसको बहुत थिक नहीं करना है, ऐसे ही रखना है. और अब मैं फाइनली इसमें थोड़े से क्रश्ड नट्स डाल रही हूँ. पूरीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप्स प्लेन फ्लावर मैदा, 1/2 कप आटा व्हीट फ्लावर, 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 2 टेबलस्पून्स ऑयल तेल के और 1 कप ल्यूक वार्म वाटर. ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं पूरी का आटा गूंदूंगी किचन एड में, मगर आप हाथ से भी कर सकते हैं. तो ये मैंने डाल दिया इसमें मैदा, ये इसमें गया आटा,
ये है सॉल्ट और इसमें मैं 2 टेबलस्पून्स ऑयल के डालूंगी। यहाँ पे अब मैंने शाहिद को बुलाया है, ही इज़ गोइंग टू नीड आटा फॉर पूरी। डो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है और इस पे अब थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके एंड वी विल लीव इट टू रेस्ट फॉर 15-20 मिनट्स। पूरीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है और उसकी मैं छोटी छोटी सी बॉल्स बना रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको रोल करूँगी, तो जब आप रोल करें तो मेक श्योर बहुत पतला ना हो और इसको साइज़ भी जितना मैंने बनाया है उतना ही साइज़ होना चाहिए, बहुत बड़ी पूरी ना हो। रोल करने के बाद मेक श्योर कि आपका ऑयल अच्छी तरह गर्म हुआ हुआ हो, तो मैंने यहाँ पर चूल्हे को 8 से 10 मिनट तक चला दिया था मीडियम फ्लेम पे और अब मैं हॉट ऑयल में पूरी डालूँगी। जब आप पूरी इसको ऑयल में डालें तो मेक श्योर कि ऑयल हॉट हो, अगर ऑयल ठंडा होगा तो पूरी ऑयल को सक कर लेंगी और सही नहीं बनेंगी। तो मैं यूजुअली साथ साथ हिलाती रहती हूँ एंड आई कुक अराउंड 20-25 सेकेंड्स ऑन ईच साइड। अगर आपको ज़्यादा डार्कर पसंद है और क्रिस्पियर पसंद है तो ज़्यादा देर तक पका सकते हैं, मगर मैं इसको रफली 20-25 सेकेंड्स तक पकाती हूँ ईच साइड पे और साथ साथ हिलाती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरी रेडी है और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आ गए मेरे टेस्टर, बताएं शायद अभी मैंने ट्राई नहीं किया, अभी करने लगा हूँ। बहुत यम्मी है, बहुत अच्छा बना। हलवा तो मैं ऑलरेडी चख चुका हूँ, बहुत मजे का है। पूरी हलवा भी बहुत मजे का है, बहुत मजे का बनता है।